रामदेव जी महाराज री दो महीना थी, मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगणा थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगणाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पढ़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगणाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पढ़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ रा पढ़िहार बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ रा पढ़िहार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगणाबाई ने 12 साल तक सुगणाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगणाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीहर ने याद करता था का आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे बोली बीरा सुगणा री विनती विदा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह ओ जी नेणो में आंसू पड़े जो सावन बरसे में। अठीने सुगणाबाई उदास उठीने मां उदास। तो माँ जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि माँ चिंता मत कर, मैं अभी प्रबंध करूं सुगणा ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी दुबली सांड, बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए, मैं पांच बार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो। रत्न राय को वह मरियल सी सांड ली। जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए, बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदर था, पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों को कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगणाबाई का पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई, बोले आज कौन है, थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने, रावणा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है थारो नाम काई है। रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो, बोले कि रामदेव रासो मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो, बोले कि चुप खबरदार है। और बोलिया अरे उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे, उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, खम्मा 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 वो चेरा राजा है लो सांबलो जियो, खम्मा 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 रे कबड़ी। बोले जमल घर अवतार की हरे गेरी गेरी बिरखा भाजा, ते पाछा कहीं आ जा,
गेरी गेरी बिरखा भाया उठी पाछा कहिया जाओ उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो खम्मा 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 रे कंवरे अजीमा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो खम्मा खम्मा गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहिया जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कही है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने री आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओला कहीं बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझियाओ एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अन्नदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांजिया कही जो मारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो खम्मा 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 रे कबरे रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो मख मख मारे कबरे बोले ठाकुर साहब अन्नदाता आप तो मालिक हो पर अन्नदाता आप बांजिया हो और बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैना दे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुँह आंसू आ गया बोले रानी बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे अरे बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कई पाप कमाया जियो एड़ा कई पाप
निचरा राजा हेलो सांभळो जियो अम्मा खम्मा खम्मा रे कबरे अजमाला देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसू री लड़ी पे अपनी रानी मैणा दे ने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा देवी जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पिया जी चिंता ना करो ना अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारका रो नाथ आपने मन री इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरिया री आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो थे मारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊंला। पर पाछो घर ना जाओ आज बोली रत्ना खबरदार है अभी तो लियो वापस लेने की जरूरत नहीं है। बोले कि मैं तो मारे बाबा रो भेजोड़ आयो। बोले आयो कि कर मारी भाई सुगना ने लेवण वास्ते आयो। पोंगलगढ़ा पढ़ियार विजय सिंह जी रो क्रोध और बढ़ गयो अपने फौज ने अपने सैनिकों ने आवाज लगाई बोले रत्ने ने कुएं में उल्टो लटका दो। सुगना भाई दी ननंद सुगना भाई ने जार केवे कि भाभी साहब नाम तो पतो नहीं लेकिन रत्नो नाम रो एक आदमी आयो तो आपरे पीरसो और मारा भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर दियो। तब सुगना भाई दी व्यथा सुगना भाई री पीड़ा अंदर सो और जाग उठी बोले भाई मैं तो थारो कोई कसूर कियो वेला लेकिन इन भोलिए रत्ने थारो का ही कसूर कियो इन्हें जेल में। सुगना भाई डागला पर चढ़ गई और मन में विचार कर दियो कि भाई या तो तू आ जा नहीं तो सुगना और प्राण दे और थारो नाम बदनाम कर देला दुनिया में केवेला कि दुनिया में भगवान बड़ोड़ो फिरतो और मेरी बहन मेरे दुख रे सुन कारणो मर गई। और बोली अरे भी राम हरा बोले भाई थारी कोई जामन जाई होती थारी सगी बहन होती तो तू जरूर ले जातो पर मैं तो थारे काकारी बेटी बहन हूं वास्ते थने मारी चिंता क्यों मैं तो थारी दुबाली बहन हूं और काकारी बेटी हूं वास्ते थने मारी परवाह नहीं बाकी थारी जामन जाई होती तो तू कद को ले जातो ये दुख रे कारण मैं अपना प्राण दे दूला। बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने भाई ने याद करती थकी सुगना भाई पुकार की बोले बीरा हरा रामदेव दे भाई ने
કરી લે વણિયા પડબો બૈરો સાસરો રે પીરા મારા માતા મિલવા રોતા બોલી શેરજ મલગર અવતાર કે બોલે ભાઈ મેં કોઈ થારે લાડલે જન્મરા કોઈ કાળા તિલ ચોર્યા ઈ જન્મ મેં થારો કોઈ ગુના કિયો જી તું દુઃખ મેં પ્રણા દી બાત બાત પર પોંગલ ગઢરા પડ્યાર તાનો મારે બાત બાત પર થારો નામ લે મને સતાવે બોલે થારો ભાઈ રામદેવ તો કામડિયો હે બોલે બીરા તું દુનિયા વાસ્તે ભગવાન બન ગયો ઓર વો દુઃખ મારે ગળે ક્યું ગાલ ગયો यदि तू भगवान ना बनतो तो मने भी दुख नहीं तो लेकिन तू दुनिया रा कार्य सारे बिरा मैं थारो कहीं गुना कियो और अठी ने मारा माता पिता री याद घनी सतावे बिरा होई कली तो दिखाई दी बिरा वो बिहरी ये रारो પન્નાલાલજી બહુ સુંદર લખ્યો
कि जिस घर में माँ है वो पिहर, और जिस ससुराल में सासू है वो ससुराल, सासू नहीं है तो फिर ससुराल रो भी कोई अर्थ ना। बोली ए सासू जिंदगी मन को निमाने दी बीरा महारा बीरा महारा रहम देव दे भाई ने एक ने बनिया अड़गो बैरो सासिरो रे भाई ने माता मिलवा रो क्या। और अंत में जब बहन री पुकार सुनी सुगना भाई मरने वास्ते तैयार हो गया, तब रामदेव जी महाराज ने रात्रा वक्त सूता ने सपनों आयो। सपना में उठ और अपनी मां ने कहो कि माता मैणा दे मने खोटो सपनों आयो, मैं सुगना ने रोवती देखी हूं, अपने साथ में शक्ति रो संचय कर, शक्ति रो आह्वान कर। बाबा रामदेव जी महाराज रूणी चासू रवाना हो पोंगलगढ़ पहुंचा। पोंगलगढ़ रे पढ़ियारो रे अभिमान ने खत्म कर और अपनी बहन सुगनाबाई ने वापस रूणी से जब ले आया, तब घर में चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ उत्सव। बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बैठाया और चालो विनायक आपा जोशी घर चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चोखा चोखा लगन लिखावा, लगन लिखावा मारो देवी बिना, सुंडी सुंडाड़ो यो तो धूम धुमारो, आशा चली गन लिखावो रे मारो प्यारो रे बिना, चोखा चोखा लगन ओछी पिंडारो कमल गाड़ो रे, कमल गाड़ो रे मारो गिरी दीदी नायक, ओछी रे पिंडारो कमल गाड़ो रे, नखराड़ो रे मारो वीर दीदी नायक। चालो नी विनायक आपा चीर बिये घर काला, चालो विनायक यो पे सिर बियारे जासा, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो मारो
देवी बिनावो सोखी सोखी बरिया मोलावा हो ओ मोलावा रे मरा प्यारा हो विनायक प्यारा विनायक मारा देवी विनायक ओछी पिंजा रो कामण तारो रे नखी राड़ो थारो गिरद चालो नी विनायक आपा चूड़ी घर जाला चालो विनायक यो के चूड़ी घर जावा अरे चालो नी विनायक आपा चूड़ी घर जाला चालो नी विनायक यो के चूड़ी घर जाला चोखा चोखा चूड़ी ला मोला मारो बिरद विनायक बिरद विनायक मारो देव विनायक।